पंखो पंखो, चलो अब उठो, फोर हो गया पंखो, चलो हमको जाना है, फोर हो गया बाबू। पंखो हाँ चलो उठो, देखो चलो चलो हमको नानी के घर जाना है, फोर हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पंखो। हाँ उठ जाओ ना फिर, आओ ये देखो, ये है मेरा प्यारा बच्चा, ये इतनी जल्दी उठता है बोलने पे। गुड मॉर्निंग, देखो हम दोनों उठ गए, अभी टाइम हो रहा है 5:15, अब हम उठाएंगे रिशु को, रिशु भी सो रहा है वरना रिशु ने रोना है बाद में। मैं और पंखु अभी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, हम लोग एकदम रेडी हो गए हैं, और मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी तो मैंने पूरा ऐसे कैप्चर नहीं किया एक एक चीज़, तो एकदम रेडी होके मिल रहे हैं अभी हम आपको। और क्योंकि आपकी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है तो थोड़ा ऐसा टेंशन भी रहता है ना कि कहीं मिस ना हो जाए, इस चक्कर में कुछ शूट नहीं किया, हम रेडी हुए और फटाफट से जो है हम निकल गए कि भाई निकल जाते हैं रास्ते में, कुछ पता नहीं क्योंकि हमारे यहाँ से जो एयरपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, आई थिंक 35 किलोमीटर एक साइड से हमको। तो हम लोग फटाफट से रेडी वेडी हुए और हमने अपना सामान वान कार में रखा, ये सब लोग आ रहे थे हमें सी ऑफ करने के लिए। और जब हम सुबह निकले ना तो शायद हम 6 बजे निकल गए थे घर से, और उस टाइम मतलब पूरा उजाला भी नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था उजाला, मतलब सुबह हो गई थी, मतलब सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए थे, उनके दर्शन हमें बहुत आगे जाके रास्ते में हुए, तो वो वीडियो भी आपको मिलेगी आगे जाके कि हमें कहाँ जाके दर्शन हुए हैं। तो ये भी हम लोग निकल रहे हैं सोसाइटी से, तो कुछ काम था कि थोड़ा सा यहाँ पर रुक गए थे, तो अभी आप देखो बहुत ज़्यादा उजाला भी नहीं हुआ, कोई लोग मतलब बाहर भी नहीं आए उठ के भी कोई मॉर्निंग वॉक वगैरह कुछ करने को। तो अभी देखो अब रास्ता भी पूरा खाली है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है रास्ते में। तो और सुबह ना वैसे तो मुझे पसंद नहीं है अर्ली मॉर्निंग जो ट्रिप्स होती हैं करनी, कहीं बिल्कुल भी नहीं, रात को मैं चली जाऊँगी कितना अभी लेट नाइट होगा मैं चली जाऊँगी, लेकिन अर्ली मॉर्निंग मुझे इतना पसंद नहीं है क्योंकि मेरे को सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है 6-7 बजे का हो तब तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको 3 बजे 4 बजे या 5 बजे उठना हो तो मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस टाइम पे थोड़ी सी मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे को उससे बाद में फ़्लाइट नहीं मिल रही थी उतनी अर्ली मॉर्निंग, मतलब मैं शायद 9 बजे की उसकी फ़्लाइट थी हमारी शायद में 9 बजे की, तो हम 6 बजे निकल गए, तो 1.5-2 घंटा हमने वहाँ पे लगना था, उसके बाद जो चेक इन टाइम जो होता है वो तो अलग ही है। तो शायद मैं ऐसा 9 या 10 बजे की मेरी कुछ फ़्लाइट थी, मुझे वैसे ठीक से याद नहीं है क्योंकि वो हो चुकी है तो मैं भूल गई हूँ अभी इतना जल्दी। और उसके बाद हम लोग निकल गए, रास्ते में मैंने वीडियो बनाई क्योंकि जब ट्रैफिक नहीं होता तो थोड़ी अच्छी सी वीडियो बन जाती है, तो वो वीडियो मैंने बनाई रास्ते की। और बाकी तो अगर आप अपने मायके जा रहे हो तो उसकी तो एक्साइटमेंट थोड़ी अलग ही होती है, और इस टाइम पर मैं अकेली भी जा रही थी, मतलब मैं और पंखू जा रहे थे, तो ये थोड़ी अलग और एक्साइटमेंट थी। और टाइम तो हम लोग ना साथ में जाते हैं सबके सब ना, तो ठीक है सब लगता है कि ठीक है साथ ही है, मतलब 24 घंटे हम साथ में ही, लेकिन इस टाइम हम लोग अकेले जा रहे थे तो इस टाइम भी मैं थोड़ी सी अलग से एक्साइटेड थी, और प्लस मैं मायके जा रही हूँ तो अलग ही मज़े आते हैं। तो अभी आप ये देखो ये हो रहा है, मतलब सूर्य देवता के दर्शन हमें मतलब अब हो रहे हैं, मतलब हम काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, 1 घंटा हमने कवर कर लिया होगा तब जाके हमें सूर्य देवता के ऐसे दर्शन हुए, और बड़े अच्छे से दर्शन, एकदम सुंदर से ना ऑरेंज कलर के। नॉर्मली जैसे हम लोग रहते हैं सोसाइटी वगैरह में रहते हैं तो क्योंकि जो सनराइज़ है उसका जो साइड है ना पूर्व दिशा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्लैट के साइड ही हो तो आपको दिख जाए, तो ये वही चीज़ है, हम लोगों को नॉर्मली ऐसे दिखते ही नहीं है क्योंकि सुबह जब सूर्य उदय होता भी है उस टाइम बच्चों के पीछे इतना भाग दौड़ में इंसान लगा रहता है ना, तो ये वाला जो मोमेंट है वो मिस हो जाता है। तो ठीक है आज ट्रिप के साथ साथ ये भी मतलब मज़े हुए, देखने को मिला, दर्शन हुए। दिल्ली में तो हो जाते हैं लेकिन बैंगलोर में तो होते ना कभी बादल लगे होते हैं, कभी कुछ कभी बारिश हो रही होती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वही चीज़। और बैंगलोर में तो आपको भाई हरियाली तो मिल ही जाएगी हर जगह, यहाँ पे शायद मेरे फूल लगा रखे हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे, एकदम ग्रीन ग्रीन है ना, नेचर को देखना और नेचर को ऐसे महसूस करना तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है अगर आप बहुत शांति से आपको मिल रहा हो। तो अभी हम एकदम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट वाला जो एरिया है उसके अंदर हम आ चुके हैं, और मेरा हम लोग की फ़्लाइट यहाँ थी टर्मिनल 2 से थी फ़्लाइट हमारी, और जो टर्मिनल 2 है वो नया ही बना है तो बहुत ही अच्छा था, और वहाँ पे था ना कि मतलब वहाँ पे ना जो बांस होती है उसका या वुड पूरा जो होता है डेकोरेशन है वुडन डेकोरेशन है, तो थोड़ा उस चीज़ के लिए भी एक्साइटेड थे कि अच्छा न्यू टर्मिनल बनाए कैसे बनाए क्या बनाए। तो जब अंदर गए तो भी बहुत अच्छा लगा, तो आगे आपको वो भी देखने को मिलेगा अंदर, और जैसे आप देख सकते हो दोनों साइड पूरी ग्रीनरी है इधर, तो ये है एकदम एयरपोर्ट एरिया,
जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीन है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। वीडियो में उतना अच्छा दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, लेकिन रियल में जब आप उसको देखते हो ना, बहुत सुंदर लगता है। एकदम फूल और एकदम पेड़ पौधे एकदम बराबर लेवल से हमने जो कटिंग वटिंग करी रहती है वो सब कुछ बहुत ज़बरदस्त। मतलब सुबह सुबह अगर आप निकले हो कहीं बी ट्रिप के लिए तो होता ना एकदम आपका उठना वसूल हो गया, पैसा वसूल तो नहीं है बट आपका उठना वसूल हो गया कि वाओ ये चीज़ मतलब हमने देख ली, अच्छा लगा, एकदम आँखों को सुकून पड़ा। हाँ लेकिन एक बार उठ जाओ तब तो अच्छा लगता है, लेकिन जब तक ना उठो ना तो ऐसा लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, नेचर को मिस करेंगे चलेगा, लेकिन नींद मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ वैसा है, लेकिन जब उठ गए चले गए तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही रिफ्रेशिंग लगा उठ के। तो अभी हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर और फिर हम घूमे घूमे, थोड़ा सा हमने मिस कर लिया था क्योंकि अंदर इतनी मतलब बनी हुई है ना, रोड बनी हुई है, कभी कुछ यहाँ से लेफ्ट जाना राइट जाना है, थोड़ा हम अंदर जाके मिस हो गए। तो ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये है टर्मिनल 2 और हम थोड़ा इसमें मिस कर गए थे, इधर तो चले गए, फिर घूम के पूछ पाछ के फिर अंदर आए जहाँ पे हमें जाना था। अब ये देखो, ये किसी होटल से कम जो उसका व्यू दिख रहा है, ऐसा लगेगा नहीं आप इंडिया में हो, ऐसा लग रहा आप आउट ऑफ इंडिया हो, इतना ज़बरदस्त है ये जो बैंगलोर का टर्मिनल 2 है, जो एयरपोर्ट है टर्मिनल 2, बहुत सुंदर है। आप सामने से व्यू देखो कितना बढ़िया लग रहा है और हम एकदम फ्लाईओवर के ऊपर है भी, है ना। तो ये है जो हमारा टर्मिनल 2। तो अभी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अंदर जाने के लिए। रिशु को तो बहुत ज़्यादा हो रहा था कि अरे आप टर्मिनल 2 से आपकी फ़्लाइट है, कैसा है अंदर क्या है, क्योंकि वो लोग सिर्फ यहीं तक आएंगे और अंदर तो आ नहीं पाएंगे। तो आप ये देखो अंदर कितना सुंदर लग रहा है, ये आप बोल सकते हो ये एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट नहीं लग रहा, एकदम ऐसे होटल लग रहा है अच्छा खासा। तो ये लोग आए हैं हमें सी ऑफ करने के लिए यहाँ पे। रिशु थोड़ा सा उदास है क्योंकि मैं जा रही हूँ तो उसका रोना धोना थोड़ा सा वो उदास है, तो उसको लग रहा है थोड़ा उदास कि मैं कैसे रहूँगा मम्मी के बिना। मैं और पंखु तो एक्साइटेड थे फुल और हम लोग अंदर आए, फिर हमने अपना मतलब बोर्डिंग पास वगैरह लिया, अपना जो लगेज था वो दिया और फिर उसके बाद हमने कुछ फ़ोटो वोटो खींची, मैंने वीडियो बनाई क्योंकि इन लोग को बड़ा था कि अंदर जाने के बाद वीडियो बनाना फ़ोटो खींचना कि अंदर टर्मिनल 2 कैसा है ये वो सो। तो फिर मैंने ये जो वीडियो बनाई यहाँ पे बस, और काफ़ी अच्छा था अंदर से पूरा डेकोरेशन है, कुछ भी चीज़ जो थी अंदर पूरी वुडन से बना रखी थी, आई थिंक ये बैम्बू है उसी से बना रखा था। और ये आप देखो अंदर, ये नेचुरल है अंदर ना, पूरा प्लांट व्लांट है जो नेचुरल है, बहुत खूबसूरत लग रहा था, अच्छा लग रहा था एकदम बढ़िया। मतलब ऐसे पूरा कुछ लुक को पूरा लुक चेंज था, ऐसे जब नॉर्मली हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो थोड़ी फीलिंग आती है ना हम एयरपोर्ट पर वगैरह है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं आ रहा था। अगर आपको ऐसा लगेगा कि हम किसी मॉल के अंदर आ रखे हैं या मतलब ये जो सो ना एग्जीबिशन लगी है, वैसा कुछ फीलिंग आ रही थी अंदर जाके, बहुत अच्छा था और एकदम पीस ऑफ माइंड, कुछ ऐसा टेंशन नहीं हो रहा अंदर जाके कि फ़्लाइट मिस होने वाली है या कुछ होने वाला है, नहीं। आप फोटोग्राफी भी, बहुत से लोग फोटोग्राफी कर रहे थे, बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त था, मतलब अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे ना सामने जो अभी देख रहे हो इन पे ना बहुत पुरानी पुरानी मतलब मूर्तियाँ रखी हुई थी, बहुत पुरानी थी, तो उस पर टाइम डेट वेट भी लिखा हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग अंदर आ गए, फिर हम लोगों ने जहाँ पे हम लोगों का मतलब गेट था जहाँ से हम लोगों ने जाना था, फिर हम वहाँ पे बैठ के अपना वेट कर रहे थे क्योंकि हम पहले पहुँच गए थे और मतलब फ़्लाइट में तो काफ़ी टाइम था, फिर हम वेटिंग एरिया में बैठ गए थे। तो पंखू मुझे यहाँ बता रहे कि मम्मी यहाँ पे चार्ज होता है, आपको फ़ोन चार्ज कर लो, यहाँ पे से ऐसा होता है। तो मतलब छोटे छोटे बच्चे ना कितना नोटिस कर लेते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया था ऐसे, तो उसने इधर उधर देखा और मुझे बताने लगा कि यहाँ पे ये है वो है इसको ऐसे करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना, मेरे फेस पर काफ़ी दाने वगैरह हो गए हैं, तो इस टाइम पे थोड़ा मुझे ना पीसीओडी का प्रॉब्लम हो गया था, तो इस वजह से मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा दाने ये सब कुछ हो गए थे, लेकिन मैंने उसके बाद ट्रीटमेंट वगैरह लिया उसका, तो मेरे दाने एकदम गायब हो गए और हो गया। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो पक्का मेडिकल अपना ट्रीटमेंट करा लो, फ़ायदा होता है। मैंने भी काफ़ी टाइम तक वेट किया दानों को कि नॉर्मल होंगे, बट ये नॉर्मल नहीं थे, ये पीसीओडी वाले थे। तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, चेकअप वगैरह कराया, तो मुझे पता चला कि ये पीसीओडी वाले हैं, पिंपल्स हो रहे हैं मुझे, तो ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा निकलता है, ये अपने आप से कंट्रोल ही नहीं होते हैं। मैं और पंखु जो है एयरपोर्ट जल्दी पहुंच गए थे और सुबह सुबह के टाइम जो एयरपोर्ट पे मतलब भीड़ भी नहीं थी, अंदर भी भीड़ नहीं थी उतनी। तो फिर पंखु के पास करने कुछ था नहीं, तो वो खेल रहा था, कुछ खेल टॉयज उसके सारे बैग में थे। तो पंखु ने क्या किया कि जो एलिवेटर होता है, तो पंखु एलिवेटर से कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, और कभी उसको पानी पीना है, जूस पीना है, तो कभी डस्टबिन में कुछ डालने जा रहा, कुछ कर रहा, तो ये पंखु उसी पे खेल रहा था। तो इसने वहाँ पे ऐसे मज़े किए एयरपोर्ट पे, क्योंकि एयरपोर्ट जो था पूरा खाली था, भीड़ होती है थोड़ा सा, तब होता है ना कि बच्चे कहाँ चले गए, उधर चले गए, खो खो ना जाए। तो
खोने का कोई सीन नहीं था, तो इसके साथ बाद में दो तीन बच्चे और थे जो भी ऐसे ही खेल रहे थे इस पर, तो पंखु ने भी मज़े किए उस टाइम पे। उसके बाद अनाउंसमेंट हो गई थी कि भाई आपका जिस भी गेट पे आपकी टिकट है तो आप वहाँ पे लाइन वगैरह में लग जाओ। तो फिर हमारी जो टिकट थी तो हम भी अपना बोर्डिंग पास लेके जो थे फाइनल चेक इन जो होता है वहाँ पे लाइन पे लग गए थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे से स्टार्ट हो गई थी। पहले जो लोग सीनियर सिटीजन वगैरह थे तो उन लोग का नंबर आया, वो लोग गए और फिर हम लोग भी चले गए थे अपना जो नंबर, जिस नंबर पे हम खड़े थे भीड़ वैसे जैसे भीड़ थी नहीं, तो हम लोग भी चले गए थे अपने उस पर, लग गए लाइन पे। तो मेरा मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ऐसे फर्स्ट टाइम गई भी थी मैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई और पंखु ने भी ठीक है उतना परेशान नहीं किया मुझे। और थोड़ा बहुत तो बच्चे करते ही हैं, इतना तो भी चलता ही है। तो अगर आप अकेले भी जाते हो तो अकेले भी तो बोर हो जाते हो, तो उससे बेटर है कि मतलब चलो बच्चे साथ में आए तो इंसान बोल बोल लेता है ना। तो मेरी जो फ़्लाइट थी इस टाइम पे, मेरी विस्तारा से ही फ़्लाइट थी। फिर मैं और पंखों ने अपनी सीट देखी कि हमारी सीट कौन सी है, फिर हम लोग फटाफट से सीट वीट पे बैठ गए अपने। फिर मैंने पंखों ने अंदर जाके थोड़ी सी वीडियो बनाई और मैं च्युइंगम लेके गई थी पंखों के लिए, क्योंकि जब फ्लाइट होती है ना टेक ऑफ करती है, जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है ना तो उसके आवाज़ से जो है कान ना ऐसे बंद से हो जाते हैं, तो इसको चबाते उगाते रहो ना, तो हम जैसे मुंह बना हिलाते रहेंगे चबाते रहेंगे कुछ, तो मेरे कान जो एकदम बंद नहीं होते, वरना पंखु ऐसे रोने लग जाता है कि मेरे कान बंद हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो फिर मैंने पंखु को च्युइंगम दिया, तो वही 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 पूछ रहा है कि ये क्यों खाना है, कैसे खाना है, क्यों दे रही है। नॉर्मली वो मांगता है, मैं उसको देती नहीं हूँ, तो अभी उसको बिना मांगे मिल रहा है, तो थोड़ा क्वेश्चन वगैरह करने लगे। फिर पंखों की जांच शुरू हो गई थी पूरी फ्लाइट में कि इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ये खुल रहा है, ये कैसे हो रहा है, पूरी ना कि कुछ छूट ना जाए उससे। तो धीरे धीरे जो फ्लाइट जो है रनवे पे स्टार्ट हो गई है चलना, और मैं और पंकज एक्साइटेड। और फिर मम्मी को भी मैंने कॉल कर दिया था कि हम लोग इस टाइम तक तो पहुंच जाएंगे, ताकि मम्मी खाना वाना बना के रख दे, क्योंकि मम्मी को जब से पता चला कि हम लोग आ रहे हैं तो मम्मी तो ना एकदम एक्साइटेड हो गई कि कब पहुँच रहे हो, क्या पहुँच रहे हो, कितने बजे है, कैसे उतरोगे, ये सब कुछ। तो वो तो होता ही है, नॉर्मली होता है मम्मी का, जब हम लोग साथ में तब भी होता है। अभी तो मम्मी को पता था कि मैं अकेले आ रही हूँ, थोड़ा सा मम्मी को भी टेंशन था ना कि कैसे आएगी, क्या करेगी वगैरह। फिर अब जब विस्तारा में अगर आप फ्लाइट लेते हो ना, तो आपका जो ये मील है इसमें कंपलसरी होता है, विस्तारा में ही ओनली, और बाकी अगर फ्लाइट हो तो उसमें आपको लेना पड़ता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो कुछ खाने पीने में तो आपको लेना पड़ता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो अब विस्तारा में थे तो कंपलसरी था, और हमने फिर जब टिकट बुक करी थी तो उसमें वेज नॉन वेज का ऑप्शन आता है, तो मैंने और पंखु ने वेज ही लिया। पंखु वैसे खाता है नॉनवेज, लेकिन ज़्यादा उसको पसंद वेज ही है। फिर उसके बाद मैंने कॉफ़ी ली वहाँ पे फ्लाइट में, पंखु ने नहीं ली, मैंने कॉफ़ी ली। पंखु वैसे पीता नहीं, पसंद नहीं है उसको, तो जो है कॉफ़ी वॉफ़ी ली। पंखु तो पानी पी रहा था बार बार ही, उसको बहुत अच्छा लग रहा था पानी की बोतल उतल पीने में, तो उसने पानी वानी पिया, उसने पानी पी पी के मज़े करे, और खाना भी खाया उसने, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे ना, तो उसको थोड़ी भूख लग गई थी, तो उसने खाया और मैंने जो है कॉफ़ी वगैरह पी और मस्त मज़े किए। और उसके बाद पंखु इतना बोर हो रहा था कि इसने ना जो मैगजीन थी उसमें, मैगजीन होती है, पंखु ने मैगजीन इतने ध्यान से पढ़ी, बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ी इसने, बेचारा बहुत बोर हो रहा था, इसने 3 घंटे में जो है पूरी मैगजीन पढ़ के ख़त्म कर दी थी। तो आप देख सकते हो कि पंखु कैसे पढ़ रहा है मैगजीन को, तो मतलब इसको इतना पेज इतने कम पड़ गए थे कि इसने बाहर का जो है वो पेज वो भी पढ़ लिया। फिर ये पढ़ के इतना थक गया कि ये फिर सो गया, क्योंकि इसका ये डेली का काम है। पंखों और मेरा हमेशा जैसा रहता है कि हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो हम लोग सो जाते हैं, चाहे हम कार में जा रहे हैं कार में सो जाते हैं, ट्रेन में भी मतलब कुछ देर बैठने के बाद हमको सो जाना होता है, सो जाते हैं। और पंखों ने तो फ्लाइट को भी नहीं बख्शा, ये फ्लाइट में भी सो गया, इसे इतनी जल्दी ज़्यादा नींद आई, पढ़ के इसको बहुत ज़्यादा नींद आ गई, तो ये सो गया अपने शूज़ वूज सब निकाल के एकदम रिलैक्स। पंखों सो रहा है पूरी चैन की नींद। और ये देखो आप, इसमें तो मैं क्या बोलूँ, उसमें कुछ बोलने वाली नहीं, बस आप इंजॉय करो इसको, इस मोमेंट को देखो, ऐसे बैठ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून लगता है कि हम कितनी हवा में हैं, और क्या है लाइफ, लाइफ तो कुछ है ही नहीं, है ना। कि आप इमेजिन जब हम बैठे होते तो हम मतलब इमेजिन नहीं करते कि हम कहाँ पे हैं, लेकिन जब हम नीचे हो और तो हम सोचते कि हम पे पंख होते तो हम उड़ते, हम कैसे करते हो, तो ये एक तरीके के पंख ही हैं कि जो हम उड़ रहे हैं इतने आसमान में। बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब हम हवा में इतने ज़्यादा हाइट पे होते हैं, और बहुत अच्छा लगता है नीचे, तो पता रियलाइज़ होता है कि यार लाइफ तो कुछ है नहीं। उसके बाद हम दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली पहुंचने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हमारा जो है सामान आने वाला है, उधर हम पहुँचेंगे। और दिल्ली पहुँचने के बाद ना ये जो ट्रैक है, इतना लंबा ट्रैक है दिल्ली का, बहुत ही ज़्यादा लंबा है, पता नहीं कितना किलोमीटर, तो यहाँ पैदल इंसान जाए तो पैदल, वरना तो बेटर है कि भाई एलिवेटर ले लो,
बहुत ज़्यादा दूर है कि आप नॉर्मली पैदल ऐसे नहीं चल सकते हो, फ्लाइट पे बैठ के आ रहे हो, थक वक रहे हो तो नहीं जा सकते हो, तो ये बेटर है कि आप एलिवेटर ले लो। हम तो एलिवेटर में थे और थोड़ा थोड़ा चल भी रहे थे साथ में। बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैक था, मुझे इस टाइम ही बहुत ज़्यादा लगा कि बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैक है दिल्ली में इसका। बैंगलोर में तो ठीक है क्योंकि एयरपोर्ट भी छोटा है। हाँ, ये दिल्ली का एयरपोर्ट वैसे बड़ा है लेकिन इसका जो ट्रैकिंग एरिया वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बस ये जो साइन है ये देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि आप दिल्ली पहुँच चुके हो। तो हम लोगों ने अपना सामान उमान अभी नहीं लिया था क्योंकि सामान नीचे आने वाला था, तो अभी हम लोग उतर रहे हैं नीचे। इसके बाद हम अपना सामान पिक करेंगे और मेरी ऑलरेडी मेरी जो कैब है, कैब भी मेरी बुक थी। तो और प्रॉब्लम क्या हो गई थी वहाँ पे ना, मेरे फ़ोन की जो है बैटरी ख़त्म हो गई थी, मतलब बहुत ही कम थी। लास्ट में तो मुझे बहुत दिक्कत हो गई कि मैं घर पहुँचने का वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई ठीक से। तो मैंने पंखों ने जो अपना सामान ले लिया है और मुझे ध्यान नहीं आया कैब के अंदर जाके भी कि मैं मतलब फ़ोन चार्ज पे लगा दूँ। जब मैं घर पहुँचने वाली थी तब मुझे ध्यान आया कि मैंने फ़ोन चार्ज पे नहीं लगाया। बोल देती मैं थोड़ी देर के लिए बोला तो मेरी 2% बैटरी और हो गई थी। तो घर पहुँचने तक मेरे फ़ोन में 2% बैटरी और बच गई थी क्योंकि मुझे पहले से ध्यान नहीं आया उसको बोलने का कि मतलब मेरे फ़ोन चार्ज वार्ज करने का कुछ ऑप्शन है कि नहीं है। फिर मैं घर पहुंची तो फिर इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैंने वीडियो ही नहीं बनाई घर पहुंचने का, उतना नहीं बनाया क्योंकि बैटरी भी नहीं थी और एक्साइटमेंट में मैं भूल भी गई। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।